उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं अपना दल एस राष्ट्रीय महासचिव आशीष सिंह एक दिवसीय यमुना पार्क क्षेत्र का दौरा करते हुए अपने पार्टी के पदाधिकारियों एवं शुभ चिंतकों से मुलाकात की। मंत्री आशीष सिंह क्षेत्र के जसरा, गोहनिया, रेरा, भेलाव, शंकरगढ़ एवं तालापार गांव का दौरा करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस बीच मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हमेशा जाति जनगणना की बात की है और जाति जनगणना होना चाहिए, ये पार्टी के जन्मदाता सोनेलाल पटेल जी का एक सपना था। 2024 के चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल एवं पार्टी के विधायकों के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के आनंद सिंह राठौर, जमील खान पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समीम खान, बबलू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। पार्टी चलाने वाले व्यक्ति के लिए तो उसको अपने संगठन के लोगों के बीच आना जाना चाहिए, उसको आप किसी भी नजरिए से देखिए। सर अब 22 तारीख को इतना भव्य आयोजन हो रहा है अयोध्या जी का, तो इसमें चार शंकराचार्यों ने इसका बहिष्कार किया, इस पे क्या? प्रभु के चरणों में अपना शीश रखते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और उनके बारे में टिप्पणी करने की मेरी हैसियत नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, तो इसमें आपका क्या स्टैंड होगा? अरे जातिगत जनगणना पार्टी का गठन ही इसीलिए हुआ है, सामाजिक न्याय की बात करना हर अपना दल के सिपाही का कर्तव्य है, और जातिगत जनगणना ही नहीं, पिछड़ों वंचित लोगों के लिए कोई भी विषय हो, हमारी नेता सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखती हैं और पार्टी हमेशा अपने उस सामाजिक न्याय के मुद्दे के साथ प्रारंभ से रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, सबको न्याय दिलाना, सबको भागीदारी दिलाना, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने इसी भावना के साथ अपना दल का गठन किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति साहू जी महाराज ने ये जो एक सबको बराबरी देने की अलग जगाई थी, उस अलग को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं आपको प्रमाण के रूप में कह रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नीट की परीक्षा हो, सब में पिछड़े वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण दिलाने का काम भारत सरकार से एनडीए की सरकार ने किया है, हमारी नेता ने इसके लिए लगातार परसुवेंस किया है, तो हम तो सामाजिक न्याय के साथ हमेशा जाति जनगणना होनी चाहिए 1000%। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना हमारी पार्टी की प्रारंभ से मांग रही है। सर 2024 में कितनी सीटों की उम्मीद? एनडीए जीत नहीं, आप अपना दल यश की कितनी हम नंबर आप सीट की कभी लड़ाई नहीं लड़ते। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की दो राज्य स्तरीय पार्टियों में से एक अपना दल है, हम कभी सीटों की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से कैसे बनी, हमारी प्राथमिकता। सर यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है अन्ना जानवर, जिससे यहाँ किसान बहुत इस पर कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पे जहाँ कुछ कमी रह गई हो उसको दूर करने का काम किया। धन्यवाद। धन्यवाद।